He's really talking to the camera. Okay, thank you, everybody. हिंदी में राइट. सो ये लैक्मे जो प्रोडक्ट है जो मेरे से आया है वो एक तो एक तरीके से उस हमें एक पूरी आजादी दी गई है कि ये एक एड फिल्म नहीं है, एक 45 मिनट की एड फिल्म नहीं है. ये एक ब्रांड फिलॉसफी लेकर जो मेन फिलॉसफी है लैक्मे की उसे इस फिल्म में किसी ना किसी तरह से हमें डालना है. और इसमें प्रोडक्ट आए ना आए, थोड़ा सा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पूरी आज़ादी दी गई है. तो उस हिसाब से आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू सी दैट यू नो हाउ वी कैन यूज़ द ब्रांडिंग. उसकी टाइटल अभी तक सोची नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट ही अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है. लेकिन एक ज़रूर है कि हम कोशिश कुछ ऐसी कर रहे हैं कि कुछ लोगों को भी कुछ नया देखने को, जो फीचर फिल्म्स में लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं, यू नो उस तरीके से कुछ उस तरीके का कुछ उनको मिले देखने के लिए. और उसमें ब्रांड की फिलॉसफी, सिर्फ फिलॉसफी का कहीं ना कहीं एक एक खुशबू हो, उसकी कहीं रेजोनेट हो आवाज़. दैट्स अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग. स्लॉट एक घंटे का है तो 45 मिनट के आसपास की फिल्म होगी. एंडोर्समेंट, देखिए एंडोर्समेंट तो है एक तरीके का. ऑफ कोर्स ब्रांड जब सी क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में हम जब देखते हैं तो 30 सेकंड के अंदर हम ब्रांड फिलॉसफी, ब्रांड का समावेश, उसमें वो सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये 45 मिनट की जो कहानी है उसके अंदर हम इमोशनली ब्रांड को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ब्रांड की जो इमोशनल वैल्यूज हैं वो कहानी में किसी तरह से आए. और एट द सेम टाइम वो कहानी एंटरटेनिंग हो, वो कहानी लोगों को देखने में मजा आए. और उसमें जो इंट्रिंसिकली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन द ब्रांड कि किसी ना किसी तरीके से वो ब्रांड जो फोर्सिबली ना लगे, जो फोर्स फिट ना लगे, जो किसी ने हाथ में ऐसे खड़े करके ब्रांड दिखाते हैं उस तरीके से ना लगे, वो हमारी कोशिश है. सो डेफिनेटली उसमें ब्रांड का समावेश तो होने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यार मेरी हर फिल्म, वेदर वो एड फिल्म हो, टेलीविजन हो या फीचर फिल्म हो, वो मुझ पर प्रेशर डालती है कि मैं अगली पिछली फिल्म से बेटर कुछ करके दिखाऊं. तो प्रेशर तो ऑफकोर्स है. और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसे एक फीचर फिल्म की तरीके से हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, एड फिल्म की तरीके से नहीं, या तो टेलीविजन की तरीके से नहीं, एक फीचर फिल्म की तरीके से. सो लोगों को हर महीने एक फीचर फिल्म देखने को मिले. और प्रेशर तो बहुत है क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी बंदिशें होती हैं आपस, यू नो, तो हमको उसके पीछे छुपने के लिए जगह मिलती है कि अरे यार वो हो गया, बजट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, स्टार की डेट्स नहीं थी, तो ये हो गया. यहाँ पे कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ये हमारी स्क्रिप्ट है, जो भी हम लिखें और जो भी एक्टर्स को लें, जो भी गाने हों ना हों, वॉट एवर इट इज दैट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू एंटरटेन पीपल. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज किसी ने किसी प्रकार का हम पर दबाव नहीं डाला है कि ये ही होना चाहिए या ये इस तरीके से होना चाहिए, ना थिंग. सो जब ब्रीफ इतना ओपन हो तो मेरे ख्याल से काफी हद तक प्रेशर बढ़ता है. उतना ही